आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 11 से 17 अगस्त तक आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाराबंकी जिले में 4 लाख से अधिक तिरंगा फहराए जाएंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां चल रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी गई है। तिरंगे को बनाकर ये महिलाएं न सिर्फ स्वावलंबी बन रही हैं बल्कि इनमें देश प्रेम का जज्बा भी बढ़ रहा है। राष्ट्र ध्वज बनाकर ये महिलाएं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। बाराबंकी जिले के 57 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 1,35,000 तिरंगा बनाया जा रहा है और अन्य सरकारी विभागों द्वारा 2,65,000 तिरंगा उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों के तहत हो रहा है, इसमें 11 से 17 अगस्त में ये आज देश का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। इसमें हमारी समूह की जो है 57 समूह की जो है करीब 105 दीदियां हैं, ये झंडा की सिलाई कर रही हैं और अन्य विभाग भी इनसे झंडे ले रहे हैं। इसका मूल भावना है कि जहां एक तरफ अपने हाथ से बनाए हुए झंडे के प्रति जो राष्ट्रवाद की भावना अंदर पनपती है और जो उत्साह बना रहता है, इसकी बात अलग होती है। इसके साथ ही जो है जब ये खुद सिलेंगी तो इनके आजीविका के रूप में सिलाई का जो मूल्य होगा वो भी मिलेगा। तो राष्ट्रवाद और आजीविका दोनों का समन्वय है ये, और हमारी समूह की दीदियाँ इसमें बखूबी निभा रही हैं। इसमें करीब 1,35,000 हमारा जो है NRLM का लक्ष्य है। मेरा समूह 2016 से चालू हुआ जिससे हम लोगों को समूह से बहुत लाभ हुआ। अब इस वक्त झंडे का काम हम लोगों को समूह द्वारा मिला है, जो हम लोग को हमारी 12 मतलब बहनों को बहुत लाभ हुआ है। इससे वो लोग खुश है कि आज हमको देश के लिए झंडा सिलने के लिए मौका मिल रहा है। इससे पहले सरकारी स्कूल के मतलब यूनिफॉर्म सिलने का मौका मिला, फिर कोरोना काल में मास्क का सिलने का मौका मिला है। अब इस वक्त झंडा तिरंगा मतलब उनके लिए समझ लीजिए बहुत खुशी का मौका मिला है। हम लोग मिलकर अपना झंडे का काम करते हैं और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को झंडे का काम मिला है और झंडा सिल के हमें बहुत गौरव की बात हो रही है कि आगे भी हमें कोई और भी काम मिल सकते हैं। और झंडा सिल के हमें कम से कम 200 झंडे सिल लेते हैं और हमारी आय भी अच्छी हो जाती है।